तो हेलो एवरीवन, प्रकाश वीडियोग्राफी के इस नए सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ मेरा जर्नी का कुछ हिस्सा। आज क्यों मेरा जर्नी का कुछ हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को आज कुछ समझा रहे हैं, कुछ आप लोग को करने बोल रहे हैं, कुछ आप लोग को कुछ जैसे रोज रोज डेली आप लोग को वीडियो अपलोड करने बोल रहे हैं। हो सके क्यों, और हो सके मेरा जर्नी क्यों आप लोग का आप लोग के लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा छोटा सा जर्नी सुन लेंगे तो आप भी और जो रोज रोज गलती कर रहे हैं वो वाला गलती और नहीं आप लोग करेंगे। इसीलिए छोटा सा हिस्सा मेरा एक जर्नी का आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप लोग इस जर्नी को थोड़ा सा सुनिए और ध्यान देखे, अपना वीडियो में पूरा ध्यान लगा के सुनिए। बहुत अच्छा आज हम आप लोग के पास बहुत अच्छा शेयर करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा हुआ था जब, जैसे यूट्यूब आज से 15 साल हुआ, तो इतना साल से हम लोग 2012 में मेरा अकाउंट खुला था यूट्यूब में। तब हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे कि यूट्यूब में वीडियो अपलोड होता है या वीडियो लोग देखता है। सिर्फ यूट्यूब बहुत अच्छा अच्छा कैटेगरी लोग को मतलब शामिल था, जिसके पास वाईफाई, जिसके पास नेट था। हम लोग के पास उस टाइम नेट भी नहीं था। उसके बाद जब हम लोग का जब हम लोग जानने शुरू किए 2014-2015 के बीच में, तब लोगों के वीडियो हम लोग देखना शुरू किए। धीरे धीरे मोबाइल आया, मोबाइल किसी के पास था भी नहीं, धीरे धीरे मोबाइल आया। मोबाइल आने के बाद धीरे धीरे लोगों का वीडियो हम लोग देखने शुरू किए। तब भी हम लोग का इतना सोच में नहीं आया था कि हम लोग भी कुछ वीडियो बनाए और हम लोग भी कुछ कर सकते हैं ऐसा सोशल मीडिया में। उसके बाद हम लोग क्या किए, उसके बाद जब हम लोग सोचने लगे कि नहीं, हम लोग भी जैसे सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे हम लोग भी चैनल बना सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, तो उस दिन से जिस दिन से हम लोग का ध्यान में आया कि हम लोग चैनल बनाएंगे, चैनल बना लिए। ठीक है, चैनल तो बना लिए, चैनल पहले से भी हम लोग का जीमेल अकाउंट में था, लेकिन चैनल को क्रिएट किए। उसके बाद उस टाइम हम लोग वीडियो चैनल तो बना लिए थे लेकिन वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे। ठीक है, चैनल बनाने के बाद हो सके एक किसी का किधर का भी कुछ भी वीडियो एक दो छोड़ के हम लोग उस चैनल को छोड़ दिए थे। और छोड़ने के बाद ज्यादातर यही सबका हुआ है, जो जैसे ज्यादा जैसे किसी का मतलब रिलेटिव में, चाहे किसी का जैसे ऊपर लेवल में कोई था तो वो वीडियो बनाना जान गया था उसी टाइम कि अभी वीडियो बनाने से बहुत जल्दी से ग्रो करेगा। लेकिन हम लोग इतना संपर्क में नहीं थे, इसलिए हम लोग उस टाइम उतना नहीं जानते नहीं थे कि हम लोग को वीडियो बनाएंगे, हम लोग अपने से भी वीडियो बना सकते हैं। तो उस टाइम हम लोग क्या करते थे, चैनल बना के छोड़ दिए। ज्यादातर सभी का ऐसा ही हुआ है जो जब मेरा साथ गुजरा है। तो इसके बाद हम लोग जब 2016-17-18 इस टाइम हम लोग धीरे धीरे इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग यूट्यूब में फेसबुक में ऐसा हम लोग फोटो छोड़ने लगे, यूट्यूब में वीडियो छोड़ने लगे, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, हो सके कुछ ऐसा करने के लिए कि हाँ ये वीडियो है इसको छोड़ देते हैं। लेकिन उस टाइम भी हम लोग को जहन में नहीं आया था कि हम लोग यूट्यूब में एक करियर बना सकते हैं, यूट्यूब में हम लोग भी एक अच्छा खासा एक पहचान बना सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग लोगों का देखने लगे, हाँ लोग ग्रो कर रहे हैं और लोग भी इसमें पहचान भी बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग भी शुरू किए थोड़ा वीडियो बनाना। तो हम लोग ज्यादातर प्रॉब्लम में किस प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी आप लोग का चल रहा है, इसीलिए यही प्रॉब्लम आप लोगों के साथ मेरा डिस्कस करना बहुत जरूरी है। हम लोग सोचने लगे कि क्यों ना, जैसे किसी का अभी क्या करता है, लोग जिस किसी का ब्लॉगिंग देखता है तो वो बोलता है कि नहीं हम भी एक ब्लॉगिंग खोलेंगे। किसी का टेक में टेक देखता है, टेक देखते हैं हम भी टेक खोलेंगे। किसी का मोटिवेशन देखता है, मोटिवेशन हम भी एक खोलेंगे। मतलब किसी का देख के वो क्या किया, अपना इंटरेस्ट के हाँ हम भी शुरू करेंगे, वो सोचने लगा कि हम ही सकेंगे शुरू करेंगे। तो क्या किया, ज्यादातर जो शुरू में ही एक कैटेगरी को चुन लेता है किसी को देख के, मतलब एक पे अपना पेशन को चुन लेता है कि हाँ हम यही सब करेंगे कि हम इंटरटेनमेंट करेंगे, हो सके हम कॉमेडी करेंगे, लोगों को हंसाएंगे। उसके बाद अपने आप को भूल के लोगों को देख के पहले एक कैटेगरी चुन लेता है, उसके बाद कैटेगरी को करने के लिए लग जाता है, उसमें टाइम देने लगता है, पहले वीडियो लेता है, उसके बाद उसको एडिटिंग करता है, उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे शेयर करता है, यूट्यूब पे अपलोड करता है। और जब टाइम ज्यादा लगने लगता है तब जाके धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगता है, धीरे धीरे उसका मतलब जो सोच थे जो जैसे आगे बढ़ने का उसका ज्यादा एक्सपेक्टेशन आने लगता है। तो उसमें क्या हुआ ना, जो हम लोग भी जब वीडियो बनाए उस टाइम हम लोग का ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाता था, क्योंकि उस टाइम हम लोग ज्यादा उस टाइम में मतलब टाइम देते थे और एडिटिंग भी करते थे और छोड़ते थे, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि एक बार एक ही वीडियो बनाए वो ज्यादातर लोग देखें, एक ही वीडियो बनाए वो ज्यादातर लोग देखें और ज्यादातर लोग उसको लाइक करें, कमेंट करें। क्योंकि शुरू में ही हम लोग इतना तक भूल गए थे कि शुरू में
कोई उतना नहीं देखेगा। जब तक ना आप लोग को पहचानेगा तब तक ना आप लोग को कोई नहीं देखेगा, ये हम लोग भूल गए थे, ठीक है। ज्यादातर हम इसी चक्कर में थे कि हाँ वीडियो छोड़े, लोग हो सके नहीं देख रहा, तो हो सके सब पसंद नहीं आ रहा, हो सके कंटेंट ज्यादा हो गया है, ऐसा करके मतलब हम लोग धीरे धीरे उसको वैल्यू देना छोड़ देते थे। अभी अभी आप लोग का यही सब हो रहा है, ज्यादातर जो YouTube में शुरू करना खोज रहे हैं ज्यादातर आप लोग का भी यही हो रहा है कि आप लोग एक कैटेगोरी के लेकर चुनते हैं और उसमें से टाइम आप देते हैं, उसमें से एडिटिंग करते हैं, उसमें से वीडियो बनाते हैं, उसमें हो सके मोबाइल खरीदते हैं, हो सके कैमरा खरीदते हैं, हो सके ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट भी कर लेते हैं और वीडियो बनाते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, दो वीडियो बनाते हैं, पांच वीडियो बनाते हैं, दस वीडियो बनाते हैं। उसके बाद आप लोग का जब ग्रो नहीं आता, हो सके लोग उतना नहीं आप लोग का वीडियो वॉच करता है, हो सके आप उसी दिन सोचने लगे कि नहीं ये सब वीडियो हो सके अभी नहीं चलेगा, हो सके हम कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा कर करके आप लोग छोड़ दे रहे हैं। तो यही सोच के धीरे धीरे हम क्या किए, एक बार करना शुरू किए फिर छोड़ दिए थे, फिर दूसरे बार फिर लोगों को देख के आगे बढ़ा, कोई आसपास का कोई आगे बढ़ गया उसको देख के फिर सब सोचे कि नहीं फिर से एक बार शुरू करेंगे यदि मेरा वीडियो फिर से चल जाएगा तो, इसीलिए फिर से दो चार को वीडियो बनाए, फिर से मेरा रीच नहीं हुआ, मेरा वीडियो व्यू नहीं हुआ, तब फिर जाके हम लोग हम छोड़ दिए। तो ज्यादातर यही कारण था कि हम लोग लोगों को जब देखते हैं उस टाइम थोड़ा एनकरेज हो जाते हैं, उस टाइम थोड़ा मोटिवेशन हो जाते हैं और फिर जाके उसमें टाइम दे देते हैं और उसमें हम लोग व्यू देखने लगते हैं, सब्सक्राइब देखने लगते हैं, मोनेटाइज के बारे में सोचने लगते हैं, चैनल के सेटिंग के बारे में सोचने लगते हैं। तो ऐसा सोच सोच के हम लोग ज्यादा टाइम देने शुरू करते हैं। टाइम देना सब समय मतलब सभी टाइम पॉसिबल नहीं है। टाइम देना जब आप खाली रह जाओ तब टाइम देना चलो आसान है, जब हो सके आप कुछ काम में बिजी हो जाए, हो सके पढ़ाई में बिजी हो सके घर का कामों में बिजी हो जाए, हो सके आप बिजनेस में कुछ बिजी हो जाए, हो सके आपका जॉब लग जाए, तब आप टाइम दे नहीं सकेंगे, उस टाइम तो इतना टाइम कहाँ से आएगा। तो इसीलिए टाइम देना हम जो अभी समझे, अभी हम रेगुलर वीडियो बनाने शुरू किए हैं तो आप लोग को भी यही समझा रहे हैं कि बहुत बार फेल होने के कारण हम भी कुछ आप लोग के पास शेयर करने खोज रहे हैं कि यही गलती आप लोग दोबारा नहीं करें, आप लोग अभी से मेरा साथ शुरू करें अपना वीडियो बनाना। क्योंकि हम बहुत सा आसान तरीका बोलते रहते हैं कि वीडियो बनाना कितना आसान है और वीडियो बनाने के लिए हो सके क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा वीडियो में आप लोग को रोज रोज एक एक अपना टिप्स हो सके अपना जो मेरा आज तक जो एक्सपीरियंस है सभी हम शेयर किए, जो जो दिल से आ रहा है वही आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी हम लोग आगे बढ़े, एक साथ आगे बढ़े। क्यों क्यों हम आगे अकेले हम हो सके हम अकेले सक्सेस होंगे कि नहीं, हम चाहते हैं कि मेरे साथ सभी आगे बढ़े, हो सके मेरे से पहले आप भी हो सके सक्सेस हो जाएंगे। तो इसी चक्कर में हम चाहते हैं कि वीडियो बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। सबसे पहले आप लोग एक वीडियो मोबाइल से अपने पास, सभी के पास एक मोबाइल रहता है, अपना पास में मोबाइल को यूज करो और एक डायरेक्ट एक टेग में वीडियो बनाना शुरू करो। एक टेग में कौन सा वीडियो हो सकता है जो आपके माइंड में ऑलरेडी है, ऑलरेडी हो सके उसको बोलने में कोई झिझक नहीं होगा, वही आप एक टेग में बना सकते हैं। क्योंकि अभी जो हम आप लोगों के साथ अभी ये जो वीडियो बना रहे हैं अभी मेरा माइंड में ऑलरेडी है, हम इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखे, उसमें से कोई याद नहीं किए हैं जो आप लोगों के साथ क्या शेयर करेंगे, लेकिन बोलते बोलते अभी मेरा वीडियो का लेंथ आप देख सकते हैं कितना दूर हो गया, क्योंकि अभी मेरा माइंड का एक कुछ हिस्सा हम शेयर कर रहे हैं, हो सके कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो इसी तरह आप लोग भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, हो सके आप लोग दिन में हो सके रोज क्या आप जानने लगे वो सब शेयर किए, हो सके आप स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहे हैं, हो सके आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसी को आप कैमरे के सामने हो सके बोलना शुरू करो, जो आज हम यही पढ़ रहे हैं तो इसका हम क्या सीखे, इसके ये सब होता है इसमें आप कैसे कर सकते हैं, आप जो चीज सीख रहे हैं उसी को शेयर करना शुरू कीजिए। बहुत आसान है दोस्तों, वीडियो बनाते रहना चाहिए, ऐसा नहीं जो वीडियो मतलब एक बार में हो सके दो बार में आप लोग का व्यू और वॉच टाइम सब कुछ बढ़ जाए। तो इसीलिए आप लोग अपने आप को पहचान देना शुरू करो। हम क्या सबसे बड़ा गलती किए थे कि हम अपने आप को पहचान देना मतलब कभी माइंड में नहीं आया कि हम अपने आप को पहचान देंगे, क्योंकि मेरा जो अपना अंदर में जो कुछ भी है हम सबके बारे में चर्चा शुरू करें, हो सके सब कुछ के बारे में हम लोग हम आलोचना शुरू करें। जो आप मेरा कैमरा जो आगे है कैमरा को अपना दोस्त मान के हम हो सके एक दोस्त की तरह आप कैसे बात करते हैं, इसी तरह कैमरा को आगे रख के जैसे अपना दोस्त की तरह जैसे बात करना जब आप लोग सीख जाओगे उस टाइम आप लोग का कभी परेशानी नहीं होगा वीडियो बनाने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों एक चीज ख्याल रखना कि
वीडियो बनाना बहुत ही आसान है और आप लोग एक वीडियो बहुत कम टाइम दे के आप लोग एक वीडियो अपलोड कर सकते हो। और रोज आप लोग ये सोचना नहीं कितना व्यू हुआ, कितना वॉच टाइम हुआ, कितना मोनिटाइज हुआ कि नहीं, सब्सक्राइब हुआ कि नहीं, आप लोग को यही सोचना है कि हमको रोज एक वीडियो बनाना है। हो सके कुछ एक्सपीरियंस का वीडियो बनाए, कुछ भी एक वीडियो बनाना है, कुछ बोल के एक वीडियो बनाना है, हो सके कोई जगह देखा के एक वीडियो बनाना है। कोई ऐसा नहीं जो एक ही चीज करो, एक ही चीज करो कि हो सके आप मोटिवेशन कर रहे तो मोटिवेशन करो, हो सके आप टेक्निकल में बना रहे टेक्निकल करो, हो सके आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ब्लॉगिंग करो। आपका जो दिन में हो सके एक घंटे पूरा दिन में जो कुछ आप सीख रहे हैं, हो सके कहीं जा रहे हैं उसी का एक डायरेक्ट वीडियो बना के छोड़ते रहे। रोज जो छोड़ते रहने से आप लोग का जो रेगुलरिटी होगा उसमें से आप लोग का लोग पहचानना शुरू करेगा। हो सके एक जन देखेगा, दो जन देखेगा, 50 जन देखेगा, लेकिन आप लोग को रोज अपना चेहरा लोगों के पास पहुंचेगा, लोग जानेगा कि हाँ आप भी कुछ करना चाह रहे हैं, हो सके ये भी कुछ करना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा देख लिया जाए क्या कर रहे हैं। तो ज्यादातर करते रहने से ही लोगों के पास पहुंचेगा और लोग उसको देखेगा और हो सके यदि पसंद लगेगा तो उसमें से लाइक करेगा, कमेंट करेगा और सब्सक्राइब भी कर देगा, हो सके आपको बहुत सपोर्ट भी करेगा और लोगों के पास शेयर भी कर देगा। तो आप करते रहेंगे तब ना जाके ये सब होगा। आप यदि बंद कर देंगे आप लोग व्यू के चक्कर में तुरंत, एक आदमी जब शुरू करता है तो उसको पहले हाय हेलो उसको पहले अपना इंट्रोडक्शन देना ही पड़ता है। शुरू में ही डायरेक्ट बोल लेगा कि हम कुछ बड़ा करेंगे, हम डायरेक्ट ऐसा एक अच्छा वीडियो बनाएंगे जो सबको देखेगा, ऐसा नहीं होता है। पहले आप लोग अपने आप को इंट्रो करना शुरू करो, अपने आप को पहचानना शुरू करो कि हाँ हम ये हैं, हम आप लोग के लिए ये करते हैं, आप लोग थोड़ा देख लीजिए, हम बहुत अच्छा आप लोग के बारे में सिखाते हैं, हो सके जगह दिखाते हैं, हो सके मोटिवेशन करते हैं। आप लोग तो एक बार वीडियो को देख लीजिए, आप जब प्रचार करते रहे अपने आप को तब जाके आपको लोग पहचानेगा, जब पहचानने लगेगा तब आपका वीडियो आप सभी पूरा देखने के लिए इंटरेस्ट रहेगा। तो इसीलिए बोलते हैं दोस्तों शुरू तो कीजिए, कुछ हाय हेलो बोल के कुछ भी बोल के एक वीडियो तो अपलोड करना शुरू कीजिए। हो सके कुछ भी जगह दिखा के, हो सके कुछ मोटिवेशन करके, कुछ हो सके अपना शिक्षा देके, कुछ भी करके एक मोटिवेशन करना तो शुरू करें, कुछ वीडियो बनाना तो शुरू करें। तो इसीलिए दोस्तों कि शुरू तो कीजिए, हम बोल रहे हैं शुरू तो कीजिए, रोज वीडियो तो अपलोड कीजिए। अपलोड करते करते हो सके एक साल लगेगा, दो साल लगेगा, तीन साल लगेगा, आपको लोग पहचानेंगे पहचानेंगे। तो इसीलिए आज से अपना वीडियो शुरू कर कीजिए और हम भी आप लोग को बहुत साथ देंगे। आप लोग का जो प्रॉब्लम होगा टेक्निकली या जो आप लोग का रोज डेली का जो घर जो प्रॉब्लम होगा उसी को हम डिस्कस करना शुरू करेंगे और उसी का एक सॉल्व निकालने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों कि आज से ही शुरू कीजिए और थोड़ा देर नहीं कीजिए, एक साथ आगे बढ़े हम लोग और जरूर हम लोग को सक्सेस मिलेगा। तो इसीलिए आज का ये सेशन खत्म होता है। तो चलिए, बाय, टाटा, जय हिंद।